नगर के ठाकुर बाबा मंदिर पर राज्य मंत्री राजखेड़ा ने किया बूथ मीटिंग का आयोजन, कई नेता और कार्यकर्ता हुए उपस्थित। खबर नगर के प्रसिद्ध ठाकुर बाबा मंदिर से है, जहां पर आज रविवार की दोपहर करीब 3 बजे लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा के पदाधिकारियों नेता कार्यकर्ताओं के साथ बूथ मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें राज्य मंत्री राठखेड़ा ने युद्ध स्तर पर तैयारियां कर भाजपा की सरकार बनाने की बात कही। साथ ही इस बैठक में पोहरी विधानसभा से पोहरी के पूर्व विधायक नरेंद्र विरथरे को पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने एक भोज का आयोजन किया, जिसमें राज्य मंत्री राठखेड़ा की दिखी दरिया दिले। इस भोज में राज्य मंत्री राठखेड़ा कार्यकर्ताओं को भोजन परोसते हुए एवं झूठी पतले उठाते हुए दिखे। इस भोज में नगर के कई लोगों ने भोजन किया, उसमें जिसमें राज्य मंत्री राठखेड़ा ने भोजन परोसा और लोगों का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर भाजपा के राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा, नरेंद्र विरथरे, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रहलाद, जिला महामंत्री सोनू विरथरे, जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुद्गल, केशव सिंह तोमर, पोहरी नगर परिषद अध्यक्ष नेपाल वर्मा, समस्त पार्षदगढ़, समस्त पोहरी विधानसभा के मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मंडल का हमारा अध्यक्ष तो मंडल को सोचना पड़ेगा, बूथ को ठीक कैसे की जाए, जिन समाजों का हमारे साथ जुड़ाव नहीं है, समाज का जुड़ाव कैसे हो। हमने तो सबका भला किया, राजी कह रहे थे कि घर में 5-5 ऐसे लोग हैं जो शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हमने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई योजना नहीं बनाई, ना हमने ये चिन्हित किया जैसा कांग्रेसी करते हैं। अगर कांग्रेसी के जमाने में ये आए होते आपके प्रधानमंत्री आवास, तो भाई साहब वो कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता है उनकी भैंसे बनी होती और उनके यहाँ वो आवास बने होते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो गरीब है, उस श्रेणी में आता है, वो किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, अगर उसको हक है, उसका अधिकार है, तो हमने उसको अधिकार दिया है। हम बात करते हैं सब कौन के साथ में, आप सबको धैर्य से लेकिन धैर्य के साथ एक बार फिर से धन्यवाद, क्योंकि हमारे वक्ता मुख्य वक्ता हमारे नरेंद्र विठरे जी हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे कैलाश जी गुप्ता जी आने वाले थे मुख्य वक्ता के रूप में, लेकिन वो किसी कारणवश से नहीं आ पाए, तो प्रदेश से हमारा दायित्व दिया गया कि हमारे नरेंद्र विठरे जी हमारे मुख्य वक्ता के रूप में होंगे, वो हमारे मुख्य वक्ता के रूप में देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।